सूबे की सरकार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हर कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन उसका नकल माफियाओं पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। इसको देखते हुए एसटीएफ ने देवरिया के दो महाविद्यालय में छापेमारी कर नकल के भारी मात्रा में संसाधन और पेपर सॉल्व करने वाले सॉल्वर को पकड़ा। आपको बता दें कि बीएससी मैथ का पेपर 17 अप्रैल को था और 16 अप्रैल को ही व्हाट्सएप पर आ गया था, जिसके बाद एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी पार्ट वन गणित प्रथम पेपर जो 17 अप्रैल को शेड्यूल था, उसका पेपर 16 तारीख को व्हाट्सएप पर आ गया था, जिसके कारण वो परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इस सूचना को लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों ने बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने इस पूरी ये जो मास कॉपिंग है, नकल है या इस तरह की धांधलेबाजी है, उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस क्रम में एसटीएफ की एक इकाई ने, गोरखपुर इकाई, गोरखपुर में हमारा कार्यालय है, उस इकाई ने इस पर काम आरंभ किया।